एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में कंपोजिशन करते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बात अगर करते हैं और किसी भी लैंग्वेज में आप कुछ लिखते हैं, तो आपका जो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन होता है दैट इज सेंटेंस। सो इंग्लिश में सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से बनते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डील टुडे। सो लेट्स सी। सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। सपोज आई गिव एन एग्जाम्पल हियर, माई ब्रदर प्लीज basketball. Okay. Now, if I read this sentence, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखती, it is also a group of word, my brother, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, so ये भी एक group of word हुआ, but my brother में अगर मैं इसे पढ़ूँ तो इसका सिर्फ एक meaning निकलता है, इसका कोई sense नहीं है। my brother का सिर्फ एक meaning निकलता है, that is मेरा भाई, बट इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बट इफ आई रीड इट कम्प्लीटली फ्रॉम हियर टू हियर, माई ब्रदर प्लेज बास्केटबॉल, तो इसका एक कम्प्लीट सेंस निकलता है कि मेरा भाई बास्केटबॉल खेलता है। ओके, सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कम्प्लीट सेंस ऑन रीडिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। फाइन, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सेंटेंस जो होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, देन इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, देन इसमें मेन वर्ब होती है, फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ हु आर दीज पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या कर रहे हैं, ये पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, कुछ क्लासेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उसके पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर, सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस, या जिसके बारे में सेंटेंस मेन कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो कोई भी काम को कर रहा है। ओके, सपोज हंटर, hunter, fine. Now it is helping verb, it talks about tense of the sentence. जब आप helping verb को देखते हैं, जब आप recognize कर पाते हैं कि आप कौन से tense में बात कर रहे हैं, मतलब जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो काम हो चुका है, वो काम हो रहा है या वो काम होने वाला है, इसको जानने में हमारी मदद करते हैं helping verbs. Okay. Suppose was, so here what does it show, कि ये past की बात कर रहा है। Okay, now main verb, main verb is the action, the task done by the subject, subject is doer and what he does the action, जो action वो करता है that is verb, hunter was hiding, sorry, hunter was hiding, so hunter क्या कर रहा था, hunter was hiding, it is the action done by hunter, और ये कर रहा था, कर रहा था, ये हमें किससे पता चला, was से। Okay, object, object is the word जो हमें बताता है कि action कहाँ किया गया है या कैसे किया गया है। suppose behind the tree, so the doer, helping verb showing the tense ki kaam ho raha tha, hiding the main action which was done by the hunter, and where it was done, behind the tree, hunter was hiding behind the tree, and full stop. Okay, this is the structure of sentence, और इस तरह से sentence बनते हैं। अब हमने बात की थी subject और predicate की।
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. सब्जेक्ट होता है द डूअर, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है या जो सेंटेंस में किसी टास्क को कंप्लीट कर रहा है. द डूअर इज द सब्जेक्ट एज वी हैव सीन हियर. ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज टर्म्ड एज प्रेडिकेट, इज टर्म्ड एज प्रेडिकेट. ओके, तो अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं तो द डूअर इज हंटर, इट इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट विथ सब सॉरी द डूअर इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अलोंग विथ ऑब्जेक्ट इज प्रेडिकेट. तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना होगा. सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, वेयर प्रेडिकेट इंक्लूड्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लीविंग सब्जेक्ट बिहाइंड. सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. फाइन, आगे इतनी चीज आपको समझ में. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के. सपोज द डॉग. अब इसके आगे जो पार्ट होगा, माय सब्जेक्ट इज द डॉग. अब इसके आगे जितना भी पार्ट मैं ऐड करूंगी वो पार्ट होगा प्रेडिकेट. लाइक वॉज बार्किंग loudly. This is subject and this is predicate. Okay, next sentence. Our planet is subject क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. अब इसके बारे में जो भी बात हम कर रहे हैं वो हो जाएगा predicate. That is very clean. So this is predicate. आया समझ में. द सब्जेक्ट द मेन वर्ड द डूअर ऑफ द सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो किसी एक्शन को कंप्लीट करता है. एंड प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है असर्टिव. ओके, असर्टिव में दो सेंटेंस होते हैं. असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. डिक्लेरेशन मतलब आप सिर्फ किसी काम का होना या ना होना बताते हैं. सो असर्टिव में दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम का होना बता रहे हैं. दैट इज आई कुक्ड food today. I cooked food today. So I cooked food today. It is showing the happening of something. So it is affirmative sentence. Okay? अगर यही चीज मैं बोलती कि I did not cook food today. So, did not क्या बता रहा है. Not happening of something means negative sentence. Okay? The next one says the first one was assertive. Second one is interrogative. Second type of sentence is interrogative and these type of sentences ask questions. These type of sentences ask question. Okay, तो जितने भी question वाले sentence होते हैं जिसमें पूछा जा रहा है what do you like, what you don't like, what do you play, where do you live, how do you cook food and all these things. जितने भी questions होते हैं why did you lie. इसमें क्वेश्चन है और ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे. सो इट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन.
interrogative sentence. Okay, next type of sentence जो होता है that is exclamatory sentence. Exclamatory sentence जो होता है gives expression. कैसे expression देता है ये? It gives expression in form of excitement. Hurry. We won the match. So, ये वाला जो sign होता है, that is sign of exclamation. ये आता है exclamatory sentence में, और ये जो words होते हैं, oh, hurry, alas, sad. तो ये जो expressions होते हैं, ये part होते हैं exclamatory sentence के. Okay, the last type of sentence that we are going to discuss today is imperative sentence. Imperative sentences क्या होते हैं? Imperative sentence होते हैं जिनमें होती है command, जिनमें होती है request. और ये जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, रिक्वेस्ट. सिट ऑन योर प्लेसेस साइलेंटली, कमांड. सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, विशेस, ये सारी चीजें आ जाती है, दो सेंटेंसेस आर इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. सो द सेंटेंस वी स्टडीड टुडे, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑन रीडिंग, अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. हियर इज एन एग्जाम्पल. Then we saw the parts of the sentence, that is subject, helping verb, main verb and object. Then we saw what are subject and what is predicate. Okay, उसके बाद में हमने बात की about types of sentence, जो कि चार types के होते हैं. First is assertive में दो आते हैं, affirmative and negative. उसके बाद में आते हैं इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं. उसके बाद में आते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सप्रेशन देते हैं. उसके बाद में आते हैं इम्पैरेटिव, दैट इंक्लूड कमांड, रिक्वेस्ट और विशेस. सो इट वॉज फ्रॉम द सेंटेंस टुडे. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस. वी विल डील देम इन डिटेल और इनके कन्वर्जन, कि अगर आपको अफर्मेटिव से निगेटिव करना है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव करना है, इम्पैरेटिव फॉर्म करना है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, एंड कीप वॉचिंग. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.